और भाई सारा अभी नहीं बता रहा, आप देखो आगे जाके। ऐसे लग रहा है यहाँ पे ना, मौसम ऐसे ही है, थोड़ा ठंडा 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 भी, और हमें लग रहा है कि शाम होते होते एकदम जैकेट वाली ठंड होने वाली है। और अभी तो थोड़ी गर्मी है क्योंकि धूप है, बट यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, तो अपनी जैकेट वगैरह भी लेके आए। तो गाइस अब हम अपने रिजॉर्ट से उतर के नीचे आ गए हैं माल रोड पे। ये है भाई नैनीताल की माल रोड, ये भी आपको अच्छे से दिखाएंगे, पर अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तो चलते हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। गाइस हम लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं मोती महल में, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। तो गाइस मोती महल में तो जगह थी नहीं बैठने की, तो इतना वेट कौन करता, तो हम उसके साइड में ही किसी रेस्टोरेंट में आ गए लंच करने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं। तो गाइस हमने खाना मंगा लिया, और भाई मेरे फेवरेट आ गए नूडल्स, और भाई हमारा मटन खाने का कब से मन था, तो हमने यहाँ पे मंगा लिया मटन भाई लंच में ही। तो अब मटन खाते हैं, मटन एंजॉय करते हैं विद तंदूरी रोटी, और मैं एंजॉय करती हूँ मेरी नूडल्स। तो रुको जरा, सबर करो। तो गाइस अब लंच वन सब कर लिया है, अब चलते हैं बोटिंग की तरफ, और थोड़ा माल रोड घूमते हुए जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे काफी वैरायटी ऑफ बोट्स है, पैडल वाली भी है, ये वाली भी है, और वो जो यांग वाली होती है ना, छतरी वाली वो भी है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि चार जनों वाली बहुत कम है, सिर्फ पैडल वाली अवेलेबिलिटी, और हमें यहाँ बैठना है, तो देखते हैं। गाइस ये देखो, इन सब ने अपनी बोट्स के नाम दे रखे हैं, गॉड मिरेकल, नीलम, सम क्या है, गुड, राधा, इशक जादे, बाहुबली बाहुबली यार में तो चार बैठ सकते हैं, यारा वे कटप्पा सबके अपने अपने नाम है, मामा कटप्पा। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं टिकट्स लेने के लिए, मैं आपको प्राइजेस दिखा देती हूँ। तो पैडल बोट के लिए 4 सीटर 420 और 2 सीटर 320 है, और ये है पैडल वाले के रेट। अगर आपको वो चाकू वाली लेनी है तो वो वहाँ से लेंगे, उसके रेट भी देख सकते हैं। अगर झीलगा पूरा चक्कर चाहिए चाकू वाली में तो 420, और आधा चक्कर चाहिए तो 320। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम जो है ना अपनी ताकत का नुमाइंदा अपने आप करेंगे, और अपने आप पैडल चला के साइकिल ले जाएंगे। साइकिल नहीं बोट। तो गाइस फटाफट अपनी सेफ्टी जैकेट्स पहनते हैं और चलते हैं, ठीक है। ये भैया नैनीताल आओ, और नैनीताल में अगर नौका में नहीं ठहर घूमे ना आप, तो मज़ा नहीं आता। ये अब बचपन की यादें इनको याद ही हो रही होगी, जब ये चुपचाप बैठे हुए थे और हम पैडलिंग कर रहे थे, है नहीं, सारी कर रहा है। पर लेकिन हम जब आराम आराम से क्यों ली, हाँ कोई रेस थोड़ी है। तो गाइस मैंने और पापा ने सीट एक्सचेंज कर लिया क्योंकि राशन के 10 सेकंड में टाइम लाइन फिर से ज्यादा मत बोल। और मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम ऐसे काले काले बादल आ गए, और बीच बीच में से सनरेज आ रही, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर। और हम आराम से बैठ के अपने राइड का मजा ले रहे हैं, और सामने देखो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, मैंने जो ये उठा ली ना सेफ्टी जैकेट, इसमें इतने मोटे मोटे ये लगे हुए हैं कि ना मेरी ड्रेस दिख रही ना, मैं मतलब पूरी पूरी मैं छुप गई। तो सुंदर लग रहा है यार, ट्रैफिक में क्यों घुस रहे हो, थोड़ा साइड में लेके चलो ना। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? पंजाबी भाग आ गए।
कभी इधर टक्कर मार रहे हो, कभी उधर टक्कर मार रहे हो। लगी तो नहीं भैया, लगी तो नहीं। एक और आ रही है पीछे से। सीधी रखना तो बोर्ड को दे देना। नजर लगा। हमारी तो सीधी है, उनकी भी तो सीधी आ रही है। हमारा हैंडल इधर उधर। मारती टक्कर, तीन टक्कर हो चुकी है। गाइस अब हमारा टाइम ओवर हो गया है, अब हम जा रहे हैं वापस स्टैंड पे। यार ये व्यू कितना अच्छा। ये कहाँ चढ़ गए, कब बीच में बैठ। आइकॉनिक फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे बैठा दिया मुझे। मेरे को डर लग रहा है ना। तुझे क्यों लग रहा है? तेरी तरफ थोड़ी झुकेगी, तू तो वैसे हल्की बॉडी सी है। अच्छा ये भी सही है भाई, विंड से चलती है ये। उतरी उतरी वो तो पूरी टेढ़ी हो रही है। इन्हें डर नहीं लग रहा भाई? इस तरीके से हमारा पेडल साइकिल बोट का सफर यहीं खत्म होता है और पूरा हम ये ऐसे घुमा के लाए। हाँ आ जाओ भाई आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, पहले आ जा भी सनी, रुक जा सामान उठा लियो सारा। चलो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं बोटिंग करके, अब हम देखते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि गाइस आज थर्सडे है और थर्सडे को होता है जू बंद। तो हमने पहले सोचा था कि जू जाएंगे, बट अब क्योंकि थर्सडे को जू बंद होता है तो हम जू जा नहीं सकते। तो अब हम यहाँ पे शायद लास्ट में कोई मंदिर वगैरह है तो वहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद मॉल रोड लोकल सुन लेंगे। ये आ गया भाई नैनीताल मॉल रोड का मेन चौक, अब यहाँ पे हम जाएंगे सीधा नैना देवी मंदिर और भोटिया मार्केट लेफ्ट की तरफ। गाइस ये है भोटिया मार्केट जो कि यहाँ पे बहुत फेमस मार्केट है, और आज इतनी भीड़ हो रही है पता नहीं क्यों, यहाँ पे हमेशा ही रश रहता है। आगे देख कितनी भीड़ है भाई, अब समय वेकेशन चल रही है, रश तो हो गए, पूरा दिल्ली हरियाणा है भाई। तो भाई यहाँ पे मम्मी और राशि ने चश्मे कर लिया पसंद। गाइस एक ही चश्मे से ना बहुत सारी फोटोज हो गई, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग फोटोज है, और भैया कह रहे हैं ट्रेंडिंग है, और मुझे लगता है मेरी कल की आउटफिट के साथ ही मैच भी करेंगे। गाइस यहाँ पे सर्दियाँ हैं नहीं, पर सर्दियों के सारे कपड़े हैं, मुझे लगता है रात को, हाँ रात को सर्दी हो जाती होगी तभी भाई की रीजन ही होगा कि सर्दियों के कपड़े। फल है जामुन है, कुरमानी है, प्लम है, चेरी है। प्लम तो खट्टे खट्टे लग रहे हैं, मीठे होंगे। मम्मी देखो क्या खाना है, ये क्या चीज है ये, इसको क्या काफल, काफल अरे उत्तराखंड का है पहाड़ी। काफल ले लेते हैं। तो गाइस हमने ले लिया है खुमानी, और ये ले लिया है जो भी ने कहते हैं काफल। चलो चलते हैं गाइस, 40 रुपए के पत्ते ले। सो गाइज ये है नैनीताल का मेन प्लेग्राउंड, और भाई ये काफ़ी रेयर होता है कि भाई पहाड़ों पे इतना बड़ा एरिया हो प्लेग्राउंड के लिए। भाई यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो जाती है, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह, और ये है उमर उजाला का ऑफिस, तो भाई जो कि यूपी का काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है, और ये है यहाँ की मस्जिद, और ये यहाँ पे गुरुद्वारा, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। तो गाइस ये अब आ गया है एंड में एक टिपिकल काइंड ऑफ मार्केट, जहाँ पे भाई एक साइड खाने आने के सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और सर्दियों के कपड़े भी लगे हुए हैं। तो गाइस ये फ्री मार्केट काइंड ऑफ आई है, अब चलते हैं कुछ लेते हैं अंदर चले। गाइस जिस मंदिर आना था माँ नैना देवी मंदिर, हम लोग पहुँच गए। राशि और सनी गए अपने शूज रखने के लिए। भाई यहाँ पे नैना देवी के मंदिर के स्टार्टिंग में हनुमान जी का मंदिर, भाई ये नैना देवी के मंदिर के सुरक्षा के लिए है हनुमान जी। भाई इस प्रेमिसेस में काफी सारे मंदिर है, गणेश जी का, नैना देवी मेन मंदिर, शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। भाई अब हम जगह चलते हैं। डिजिटल इंडिया
और गाइस फिर यहाँ से आता है भाई, अच्छा ऊपर भी है दशावतार मंदिर। बट यार ये वाला व्यू देखो यार कितना, यहीं से अभी हम बोटिंग कर कर आ रहे हैं। ये देखो ये है नैना देवी मंदिर और ये है नैना लेक। मम्मी पापा कहाँ गए लेकिन? फोटो शूट कहाँ है? अच्छा ओरे ओरे ओरे, चल हम भी फोटोज क्लिक कराते हैं। पापा को मेरी फोटोग्राफी में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, इसलिए सेल्फी जरूर लेंगे। क्या शॉपिंग चल रही है? तो ये ले, ये भी आ गई। What is this? ये क्या खरीद रहा है? कौन से ले रहा है? 7 नंबर? नंबर नहीं। क्यों ले रहा है लेकिन? ये भी सेम रेट है। पापा जी कभी कभी आप ना कभी आप एकदम क्लियरली दिखा देते हो कि आप दिल्ली से हो। आज कहाँ से हो? आप दिल्ली से हो। दिल्ली फैम के हैं तो दिल्ली से नहीं दिखाएंगे। मतलब चाहे डिस्काउंट, मतलब कुछ मैं कहूँगा यार, आप वो कहेंगे भाई साहब चैनल तो बताओ अपना, मैं कहूँगा दिल्ली से, झूठ पकड़ी जाएगी। नहीं मेरे से पूछो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ऐसा क्यों करूँ? 25 रुपए कम कर दिया। मतलब भाई दिल्ली वाले कहीं भी चले जाए डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बिल्कुल भी ना करना हो, पर अगर 10 रुपए भी कम कर देंगे ना तो तो गाइस थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी, हमने सोचा कि ना मोमोज खा लेते हैं, तो लेट्स गो मोमोज। तो गाइस हमने ले लिए चिकन मोमोज, अब फटाफट खाते हैं और इंजॉय करते हैं। क्या देख रहे हैं मेन्यू में और क्या खाना है तुझे? चाय देख रहा हूं। चाय नहीं है, ओनली कॉफी। मम्मी का स्टाइल देखो यार, चम्मच से मोमोज खा रही है पहली बार। कैसे है राशि? पहली बार पहाड़ों में दिल्ली के हिसाब के मिले हैं मोमोज। हाँ वरना ना यूजुअली पहाड़ों के मोमोज पता नहीं, मोमोज तो सही होते हैं पर चटनी अच्छी नहीं होती। चटनी देखो एकदम लाल। तो गाइस हमने ले ली है सॉफ्टी, भाई मैंने तो सॉफ्टी लिया, सनी स्कूल मैं भी सॉफ्टी ले, सॉफ्टी ले रहा है। ओके चीटर। तो भाई यहाँ पे मॉल रोड की चाय चल रही है, कैसी है यहाँ की चाय? चाय नहीं है, चाय कुल्लड़ में। अच्छा गाइस मम्मी और पापा तो अपनी पुरानी यादें ताजा करने जा रहे हैं। यहाँ से भाई बहुत सारी कैंडल्स ली थी और वो शायद यहीं पे भी, यहीं पे यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल ले जाता मैं। क्यों है? क्यों शादी से पहले? और वो केक पे केक भी लगाई थी, एक तो केक भी लगाई थी हमने, वो व्हाइट कलर की जो हमारी रिसेप्शन शादी की रिसेप्शन पार्टी पे लगाई थी। यहाँ वाली केक, यहाँ वाली कैंडल। अबे बुराड़ी के इसके पाइप यहाँ पे कौन से हो गए? यहाँ से निकलेगी क्या आत्मा उनकी? ओ बेटे भागो। और गाइस ये है हमारे होटल से नाइट व्यू यार, क्या प्यारा लग रहा है यार। वाह कैसे लग रहे हैं पापा? मेरे से शॉल ले ली और ये रही ठंडी कॉटन की। मैं बहुत ठंड हो रही है गाइस, हमारा डिनर आ गया। ओ भाई यहाँ पे अब हमारा आ गया है बटर चिकन और मटन मसाला, और मम्मी करती है उसे सर्व। राशि के देखो कैसे कांप रही है, कुकड़ी बजा रही है राशि की कुकड़ी। आज का हमारा डिनर है विद अ व्यू, दिल्ली वाले दिल्ली में गर्मी में। वाह भाई क्या व्यू है यार, मजेदार। तो गाइस इस ठंड और ठंडी में करते हैं आज का ब्लॉग एंड। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, एंड मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दिल्ली फैम।